छग्गू कैसे बनाई तू? ये हमने अपनी बुद्धि से बनाया। कचौड़ी ने भी हमारा साथ दिया। अब हम बाहर सड़क पे भी जा सकेंगे बाबा। फिर हम तुम्हें मम्मा से मिलवाएंगे और वो तुमको समझाएगी कि शिक्षा कितना जरूरी है। बोलो ना बाबा, तुम चलोगे ना हमारे साथ मम्मा से मिलने? हमने तो अब तुम्हारे लिए कुर्सी गाड़ी भी बना दी, अब तुम्हें इतने को दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। हम अभी तुमको दिखाते। अरे जग्गू, अरे सुन तो बेटा। दत्ता, जग्गू का बात काहे नहीं सुन लेता है रे अरिस्वा? तथा पूत का लक्षण पालने में ही पहचान में आता है, और तुम अभी तक जग्गू के अंदर का आग नहीं पहचान पाए। रे तुमसे तुम्हारा हुनर का छिन गया। सारा हुनर देवता जग्गू में डालती है। रथ देखो, पाव बना दिए है तुमरे रेंगने के लिए। दादा आप बैठिए ना। तुम्हारा अभी यहां बैठने का बखत नहीं है बिंदी। अभी पाँव ला के दी है, कल कोई पंख लगाएगी, फिर हरिसबा हवा में फुदकेगा, उड़ेगा, जग्गू के सौरे पे चलेगा। दादा आपने सही कहा, अगर बाबा आसमान में उड़ पाते इन चिड़ियों जैसे तो कितना मजा आता ना। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चिड़ी जब आसमान में उड़ती है बेटा, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पंख सलामत रहेगा कि नहीं। काहे कि इधर भी बना रहता है कि कोई चील आके चोंच ना मार दे।